नमस्कार दोस्तों, आपका स्टूडियो में स्वागत है। और आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा मैं, आपको टिप्स बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आईपीएस आरआरबी क्लर्क के। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम से पहले कितने अटेम्प्ट्स करने चाहिए और कौन कौन से सेक्शन में कितने कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मतलब आपको पहले एक प्री माइंड सेट हो आपका कि इतना इतना अटैम्प्ट मैं इसमें करूँगा, और बस वही है कि आपको गुड अटैम्प्ट कितना होना चाहिए, एग्ज़ाम कैसा लेवल है और एग्ज़ाम किस तरीके से करना है, कि पहले किसे अटेम्प्ट करें, क्वांट सेक्शन को या रीजनिंग सेक्शन को। तो इस वीडियो में मैं पूरा सब कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि आप पहले किस सेक्शन को अटेम्प्ट करें, रीजनिंग वाले सेक्शन को अटेम्प्ट करें कि क्वांट वाले सेक्शन को। तो देखिए, इसमें लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। जैसे जिनका क्वांट पोर्शन स्ट्रांग है वो क्वांट को पहले करते हैं, जैसे जिनके पास मिसलेनियस जो अच्छा कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। कि आरआरबी प्री का जो है, आरआरबी क्लर्क का जो एग्ज़ाम है प्री लेवल का, उसका बहुत लेवल टफ नहीं आता है, आरआरबी पीओ से कम आएगा आपका, मतलब जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इजी रहेगा। तो अगर बहुत इजी रहेगा तो आप कोई भी सेक्शन आप अटेम्प्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट हुआ तो देखिए, अभी जैसा भी एग्ज़ाम आरआरबी पीओ का होता है, अगर उस पैटर्न को अगर फॉलो करें तो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए रीजनिंग। तो फिर रीजनिंग में आप जितना क्वेश्चंस कर सकते हैं आप रीजनिंग अटेम्प्ट करिए, उसके बाद क्वांट अटेम्प्ट करिए। वरना सबसे बेस्ट जो तरीका है, जैसे आपको ये पता है कि आपके, जैसे मान लीजिए पज़ल या सिटिंग अरेंजमेंट में आपको टाइम लगता है, तो देखिए आप कोशिश करिए कि आप पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करिए। रीजनिंग में जो आप इनइक्वलिटी है या ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और कोडिंग रिकॉर्डिंग, ये जितने भी जो 15 से 20 नंबर के या जितने भी पोर्शन आते हैं 20 से 25, आप उस पोर्शन को पहले कर लीजिए। बहुत जल्दी हो जाता है पोर्शन, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं। तो आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद आप उधर अर्थमेटिक के मतलब क्वांट के सेक्शन में जाइए। और वहाँ पे आप जैसे मान लीजिए कुछ अगर मिसलेनियस जो इजी हैं आप उसे कर सकते हैं, कर लीजिए। डीआई अगर इजी है तो आप बना सकते हैं तो उसे बना लीजिएगा, जो इजी पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आपको देख के समझ में आ जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी कि क्वेश्चन ईजी है कि नहीं। और जो उसमें ईजी पार्ट है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर जैसे क्लर्क में वैसे ज़्यादा चांसेस नहीं है लेकिन अगर आए तो उसको कर लो, या सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन जो वाला पोर्शन है आप इसको सबसे पहले पहले कर लो। तो मतलब पहला है कि या तो आप, अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी है तो आप कोई भी पोर्शन उठाइए, उसे पूरा करिए और फिर आगे बढ़िए दूसरे मतलब सेक्शन में। या अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाई है तो आप कोशिश करिए कि जितना भी जो ईजी पोर्शन है आप उसे पहले कर लें। तो जो 40-45 क्वेश्चन है आप उसे इजी कर लेंगे, उसके बाद आप आइएगा। अगर आपका आपकी मैथ अच्छी है तो आप डीआई और मिसलेनियस पे आइएगा। अगर आपकी रीजनिंग पोर्शन ज़्यादा अच्छे है तो आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पे आइएगा। तो ये तो वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, कैसे पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। आप बहुत कम टाइम में आप अच्छा क्वेश्चन, अच्छे मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और अब बात करते हैं जैसा कि किस पोर्शन में कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब पॉसिबल जो चांसेस हैं पेपर आपका वो कैसे आएगा। तो देखिए, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, अगर देखिए पेपर बहुत इजी हुआ तो लगभग 15 क्वेश्चन तक आ सकते थे, 10 से 15। ठीक है, और अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हुआ तो मतलब सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इसकी जो संख्या है वो बढ़ सकती है, यानी 15 से 20 मतलब 20 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। स्लॉग आपके 5 नंबर के आने के चांसेस हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल सीरीज आती है वो भी 5 नंबर की आ सकती है। इनइक्वलिटी आपकी 5 नंबर की आ सकती है। कोडिंग जो है वो आपके 5 नंबर की आ सकती है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर किसी की किसी मान लीजिए किसी को पोर्शन को अगर वो लेके आते हैं, अगर क्वेश्चंस बढ़ा देते हैं तो किसी पोर्शन को वो कम भी कर देंगे। ब्लड रिलेशन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मिसलेनियस में, और डायरेक्शन और के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से है आपका जो न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल सीरीज और स्लॉग है, इसमें से कभी कभी चॉइस कर देते हैं कि एक दिया एक दूसरे को नहीं दिया। ठीक, तो आपका इस टाइप का पूरा पैटर्न रहेगा जो रीजनिंग का पेपर जैसा आपका बनने वाला है। ठीक, तो आपको यही है कि मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पजल और सेटिंग अरेंजमेंट छोड़ के बाकी ये जितनी चीज़ें हैं आप उसे पूरा अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मतलब स्टार्टिंग के मतलब जितना भी आप, जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन हैं तो आपको इजीली 10 से 12-13 मिनट या 15 मिनट बहुत लगेगा। तो आप इसे बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसके बाद आप मैथ के सेक्शन में बढ़िएगा। तो जो क्वांट का जो सेक्शन है उसमें देखिए, जो सिंप्लीफिकेशन है उसके 10 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और एक बार जो 2016 में हुआ था तो उसमें 10 से 15 क्वेश्चन तक आ गए थे सिंप्लीफिकेशन के, तो उसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं आया था। तो अप्रोक्सीमेशन अगर आएगा तो 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के आएंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन, और नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन आएगा। अब देखो, इजी टू मॉडरेट पेपर हुआ तो आपको मिसिंग नंबर सीरीज मिलेगी। अगर पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा हाई हुआ, जिस सबसे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज मिल सकती है। ठीक, और डीआई आपको 10 से 15 की मिलेगी। एक आपको टेबुलर जो डीआई होगी वो मिलेगी, और देखिए पाई चार्ट वाला भी पॉसिबल है अगर वो मिल जाए। ठीक है, परसेंटेज बेस पे।
तो डीआई आपको 2 से 3 मिल सकती है, और मिसलेनियस क्वेश्चन आपको 10 10 मिलेंगे ही। और मिसलेनियस क्वेश्चन में वही है कि अगर मिसलेनियस पोर्शन अगर कुछ कवर करना चाहते हैं तो बोटन स्ट्रीम में एक बार कर लीजिए, वो एक क्वेश्चन तो उसका आएगा ही, और एज का एक क्वेश्चन आता ही है, एज का क्वेश्चन आएगा, टाइम एंड वर्क का आएगा, प्रॉफिट लॉस का आएगा। तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक है, आप इनको कर लीजिए, सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें वही है कि 5 6 क्वेश्चन जो है वो इजी आएंगे, जैसे जो परसेंटेज और रेशियो बेस पे आते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन एलिगेशन बेस पे होते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, आप मतलब 10 to 20 सेकेंड्स में आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो, तो आपको उन क्वेश्चन को देखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे क्लर्क में जल्दी ज़्यादा आते नहीं है, अगर पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकती है। ठीक है, ये आपका क्वांट का पोर्शन हुआ, तो मैं वही कहूँगा आपके इसमें डीआई को छोड़ के, अगर जिनका मिसलेनियस पोर्शन वीक है तो मिसलेनियस पोर्शन को वो छोड़ दें, बाकी की जो चीज़ें हैं आप उसे जल्दी से कवर कर लें। ठीक, और मिसलेनियस में आप देख लीजिए जो जो क्वेश्चन आपको बना सकते हैं आप उसे बना लीजिए। मैं वही कहूँगा कि क्लर्क का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, इसलिए अगर आपने प्रैक्टिस अगर अच्छी कर रखी है, आपने कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उन्हें क्वेश्चंस को। और डीआई देख लीजिए, डीआई आपको जल्दी बना सकते हैं। डीआई मैं कहूँगा मिसलेनियस और डीआई में से अगर आपको चुनना हो तो आप डीए पहले कर लीजिएगा, क्योंकि डीआई जल्दी बन सकती है आपसे। तो ये तो क्वांट का पोर्शन हुआ और रीजनिंग का पोर्शन हुआ। अब बात करते हैं कि आप कितने अगर अटेम्प्ट हो इस बार तो अटेम्प्ट अच्छे होंगे। तो देखिए, जिस हिसाब से पिछली बार भी कट ऑफ हुई थी, 60+ कट ऑफ अधिकतर जगह की गई थी। ठीक है, मतलब कहीं जगह कुछ कुछ जगह 55+ गई थी, मतलब क्लर्क के एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करता है। अगर देखिए लेवल बहुत ईजी आ गया तो कट ऑफ बहुत बढ़ सकती है, तो अगर देखिए पेपर बहुत इजी आया तो आपको ये सोच के जाना है कि 70+ अटेम्प्ट करें आप। ठीक है, अब जैसा आपका पोर्शन है, अगर रीजनिंग पोर्शन अच्छा है तो आप उसमें कोशिश करिए पूरा करने की, और बाकी उसमें या तो 35 35 करने की कोशिश करिए अगर पेपर इजी आया है तो। अगर पेपर मॉडरेट आया है तो अगर 60 to 65 क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिए हैं एक्यूरेसी के साथ, तो आपका मतलब चांसेस हैं कि आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये है पूरे मतलब जो मैंने आपको गुड अटेम्प्ट्स बताए और पूरे चांसेस बताए। और अभी आप कट ऑफ के बारे में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। और लास्ट के टाइम में मैं यही कहूँगा कि आप अपने ब्रशअप कर लीजिए जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मिसलेनियस पार्ट में अगर आपको जो चीज़ डाउट है आप उसको क्लियर कर लीजिए, और कुछ चीज़ें हैं अपनी कैलकुलेशन को शार्प करने के लिए आप उसको ट्राई कर सकते हैं कि थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस कर लूँ, ट्रिक्स थोड़ी सी सीख लूँ कैलकुलेशन को अच्छी करने के लिए, और जो स्क्वायर हैं क्यूब हैं उन सबको आप थोड़ा सा याद कर लीजिए, तो उनका थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल सकता है। वरना तो जैसे डेली लाइफ आपका चलता है, जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आप कुछ मत करिए नया, वैसे ही प्रैक्टिस करते जाइए और एग्ज़ाम बिना स्ट्रेस के दीजिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को अगर शेयर कर दीजिए तो और भी अच्छी बात है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।